नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ प्रेरक बातें लेकर आई हूं। धीरे धीरे सुनिए और आनंद लीजिए, और यदि आप चाहें तो खुद पर आजमा लीजिए। तो शुरू करती हूं। कभी साथ बैठो तो कहूं कि दर्द क्या है, कभी साथ बैठो तो कहूं कि दर्द क्या है, अब यूं दूर से पूछोगे तो खैरियत ही कहेंगे। आईना आज फिर रिश्वत लेता पकड़ा गया, आईना आज फिर रिश्वत लेता पकड़ा गया, दिल में दर्द था और चेहरा हंसता हुआ पकड़ा गया। सुख मेरा कांच सा था, न जाने कितनों को चुप गया। वक्त, एतबार और इज्जत ऐसे परिंदे हैं जो एक बार उड़ जाएं तो वापस नहीं आते, लेकिन मैं कहती हूं वक्त तो कितना भी परेशान कर ले, लेकिन याद रख कि किसी ना किसी मोड़ पर हम तुझे बदल ही देंगे। क्योंकि रफ्तार दोगुनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लग जाती है। पेड़ों से सीख लो रिश्तों का हुनर, क्योंकि जब जड़ों में जख्म लगते हैं तो टहनियां भी सूख जाती हैं। तुम एक बार गिर कर देखो, तुम्हें कोई उठाने नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा आसमान में उड़कर तो देखो, तुम्हें गिराने हर कोई आएगा। कुछ रिश्ते हैं इसीलिए कि वो चुप हैं, और वो चुप हैं, खामोश हैं, इसीलिए रिश्ते हैं। दोस्तों, बढ़ती हुई समझदारी जीवन को खामोशी की ओर ले जाती है। किसी के द्वारा की गई तारीफ हमारा दिन बना देती है, लेकिन हमें कोई ताना दे तो हमारी जिंदगी बन जाती है कि हम उस दौर में जी रहे हैं जहां मासूमियत को बेवकूफी कहा जाता है। इसलिए जिंदगी में जिंदगी ढूंढना ही जिंदगी है दोस्तों। मोहब्बत और मौत, मोहब्बत और मौत की पसंद तो देखिए दोस्तों, एक को दिल चाहिए और दूसरे को धड़कन, लेकिन यह दिल हमेशा तमन्नाओं से खेलता है। जहां पर जीत मुमकिन नहीं वहां हारना हमें मंजूर नहीं, और जब जब हमारा हौसला आसमान में जाएगा तब सावधानी बरतना दोस्तों, तब तब कोई तुम्हारे पंख काटने जरूर आएगा। यदि हमें जिंदगी में अकेला चलना पड़े तो डरिए मत दोस्तों, क्योंकि शिखर, सिंहासन और शमशान, यहां पर इंसान अकेला ही जाता है, और कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही होती है कि हम आज अच्छा करें। मत भूलिए, जितना बड़ा हमारा संघर्ष होगा उतनी ही बड़ी हमारी जीत होगी, और उतनी ही बड़ी उस जीत की हम खुशी महसूस करें। हजारों जवाबों से अच्छी है खामोशी दोस्तों, न जाने कितने सवालों की आबरू तो रखती है। तो दोस्तों, लोगों से दूर नहीं नजदीक रहना सीखो, क्योंकि कल को जब तुम कामयाब हो जाओगे तो वो तुम्हारी कामयाबी तो देख पाएंगे, यदि आप उनसे दूर हो गए तो वो आपको कामयाब होते कैसे देख पाएंगे। और जिनके नसीब ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान उन्हीं के
जबरदस्त होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये प्रेरक बातें? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगी, और पसंद आए तो जो भी नए यूट्यूबर भाई बहन आए, प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।